एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड के द्वारा 22 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और डिफरेंट पोस्ट के लिए किस तरह से आवेदन करना है, आज की इस वीडियो में मैं ए टू जेड जानकारी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे कि आप घर बैठे ही अपना जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए क्यों ना आवेदन कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजिंदर और आप देख रहे हो आरएसबी लेटेस्ट इन्फो। फ्रेंड्स, एक बार इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपको लगे कि वीडियो जानकारी कहीं ना कहीं आप सबके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है और कहाँ से करना है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले अपने लैपटॉप पर या मोबाइल पर किसी ब्राउजर को ओपन करिए और ब्राउजर को ओपन करने के बाद गूगल के सर्च टैब में आपको सिंपली टाइप करना है HPSSC। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आप HPSSC टाइप करोगे तो सबसे पहला जो है रिजल्ट आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। अब आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप क्लिक करोगे तो आपके सामने दोबारा से एक नई विंडो खुलेगी जो कि HPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहला स्टेप जो है वो आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तो सिंपली जो है आप साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दोबारा से आपके सामने कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहां पे एंटर करिए। यहां पे आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां पे आपको अपना यूजर आईडी चूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी आप यूजर आईडी रखना चाहते हो वो आप रख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये रख लीजिए, आप चाहे जो भी आप अपने केसेस में रखना चाहते हो वो रख लीजिए। फ्रेंड्स, दिक्कत आती है पासवर्ड में, तो फ्रेंड्स पासवर्ड एक जो है आपका अपर केस होना चाहिए और एक लोअर केस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक जो है वो बिग शब्द होना चाहिए और एक स्मॉल शब्द होना चाहिए। बोले तो यदि आपका नाम है रोहित कुमार तो आपको आर जो है वो कैपिटल लिखना है एंड बाकी की डिजिट जो है वो स्मॉल में लिखनी है। जैसे आर कैपिटल हो गया, ROHIT। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको जो है वो एक स्पेशल कैरेक्टर देना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एट दी रेट दे सकते हो और उसके बाद आप 1 2 3 4 रख सकते हो, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ रख सकते हो, वट एवर कुछ भी रख सकते हो। और उसके बाद आपको परसेंटेज देना है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपका पासवर्ड जो है वो मिनिमम 8 वर्ड का होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 12 वर्ड या करेक्टर्स का होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप टाइप कर दीजिए। ये कर दीजिए आप और दोबारा से कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव वाली विंडो पे क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आप सेव वाली विंडो पे क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है फ्रेंड्स इस वाली विंडो पे रीच आउट हो जाओगे और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज भी आएगा, उसमें कि डायरेक्टली मेंशन किया होगा आपकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यदि आपने ईमेल एड्रेस एंटर किया है तो ईमेल एड्रेस पे भी आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैसेज आने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि यहाँ पे लॉग इन वाली विंडो जो कि डायरेक्टली ओपन हो जाएगी, यहाँ पे सबसे पहले अपना यूजर नेम जो कि आपने रखा है वो एंटर करना है और यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे ये जो कैप्चा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो एंटर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए ये कर लीजिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, और सिंपली आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सबमिट करने के बाद आप जो है वो अप्लाई वाली विंडो पे रिफ्लेक्ट हो जाओगे, डायरेक्टली कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी फ्रेंड्स आपको विंडो। अब आपने जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना है वो आप उस पोस्ट को यहाँ से चूज करना है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और आप याद रखिए कि जिस भी पोस्ट के लिए आपने आवेदन करना है आप यहाँ से सिंपली जो है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए यदि आपने TGT आर्ट्स, TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल, वट एवर किसी भी पोस्ट के लिए आप आवेदन क्यों ना कर रहे हो, प्रोसेस जो है वो यही रहने वाला है। बट पोस्ट पे आवेदन करने से पहले आप जो है वो उसे चेकआउट करिए और यहां पे जो डिस्क्रिप्शन वाली विंडो है उसके ऊपर क्लिक करिए। ठीक है फ्रेंड्स,
सिंपल क्लिक करिए आप इसके ऊपर। जैसे फ्रेंड्स आप सिंपल क्लिक करोगे तो इससे क्या होगा कि जितनी भी इस पोस्ट के रिलेटेड डिटेल होगी, आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए होगी, वट एवर, आपको सिलेक्शंस के बाद आपका कितना पेमेंट मिलना है और कितनी जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए पोस्ट रहने वाली है, ये डायरेक्टली यहाँ पे मैंशन किया होगा जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो आपकी पूरी की पूरी जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर डायरेक्टली मैंशन किया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये करने के बाद फ्रेंड्स आप, मैं अभी दोबारा से बोल रहा हूं, चाहे आप किसी पोस्ट के लिए आवेदन क्यों ना कर रहे हो, प्रोसेस जो है वो इसी तरीके से रहने वाला है। हम इस वीडियो में जो है आपकी पूरी की पूरी क्लैरिटी करेंगे, फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो में जरूर कमेंट करें, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप सिंपली जो है वो पोस्ट को चूज करना है एंड अप्लाई नाउ वाले विंडो पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो दोबारा से आपके सामने नई विंडो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे जो भी पोस्ट आपने सिलेक्ट किया होगा वो टॉप पे मेंशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरी वाली विंडो पे आपको बोल रहा है प्रेफर डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आपको एग्जामिनेशन जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में देना है। फ्रेंड्स इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वट एवर आप कहीं बद्दी, नालागढ़, वट एवर कहीं भी अदर डिस्ट्रिक्ट में जॉब करते हो तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर दूसरी डिस्ट्रिक्ट पे भी अपना एग्जाम दे सकते हो। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड वाली विंडो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाली विंडो पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो यदि आपका रिकॉर्ड यहां पे मेंशन होगा तो यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और नहीं होगा तो देन आप यहां पे ओके कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल के लिए यदि आपने अपनी प्रीवियस आईडी या लास्ट टाइम आवेदन किया है और उसी यूजर आईडी से यदि आप दोबारा से आवेदन करते हो तो आपका डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले क्या करना है, आपको यहां पे अपना आधार नंबर एंटर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना आधार नंबर एंटर करिए, यहां पे आपको अपना नाम एंटर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे आपको अपने फादर साहब का नाम एंटर करना है, यहां पे आपको अपने माताजी का नाम एंटर करना है, और यहां पे आपको अपना जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी तरीका है, आप बड़े आसानी से फिलअप कर सकते हो इस फॉर्म को। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको एज वाली विंडो पे क्लिक करना है, और जैसे आप एज वाली विंडो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका एज जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन, यदि आपको एज रिलैक्सेशन की जरूरत है और आप क्वालिफाई करते हो तो आप कर लीजिए, बट नहीं है तो नो रहेगा। और नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा वेदर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि आप गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं करंट में जॉब कर रहे हो, तो यदि है तो यस कर दीजिए, बेसिकली ये नो ही रहने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शंस है मेल, फीमेल एंड अदर, आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप जो भी हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और यहां पे फ्रेंड्स बोनोफाइड रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि आप बोनोफाइड ऑफ हिमाचल प्रदेश हो तो मोस्टली यस ही रहने वाला है। और नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स कैटेगरी का, यहां पे आपको अपना कैटेगरी चूज करना है, जो भी आपका कैटेगरीज है वो आप चूज कर लीजिए। फ्रेंड्स ये चूज करने के बाद आपको क्या करना है, सब कैटेगरी भी चूज करना है। सब कैटेगरी का फ्रेंड्स, यदि इनमें से कोई भी सब कैटेगरी आपकी है तो आप चूज कर लीजिए, और यदि नहीं है तो देन आप अनरिजर्व चूज कर लीजिए। और फ्रेंड्स साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा, आप सब कैटेगरी तभी चूज करिए यदि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, या नहीं है तो देन मत करिए। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं है तो देन आप अनरिजर्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट बात आती है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, वो तो हिमाचल प्रदेश ही आएगा। एंड आपको अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप परमानेंट एड्रेस करोगे तो देन आपका डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन आएगा, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। फिर आपका तहसील आएगा, जो भी आपका तहसील है वो चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको सिंपली जो है स्मॉल एड्रेस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कर दीजिए आप, एंड यहाँ पे अपना पिन नंबर एंटर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए, जो भी आपका ईमेल आईडी है। और फ्रेंड्स आप चाहे जहां भी आवेदन करवा रहे हो अपना ईमेल आईडी ही दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कर लीजिए आप। ये करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है।
फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन क्यों ना कर रहे हो, सेम प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो देन आपको क्लिक करना है और आपका जो है एड्रेस यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार अपना डिटेल वेरीफाई कर लीजिए। डिटेल वेरीफाई करने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड वाले विंडो पे क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप प्रोसीड वाले विंडो पे क्लिक करोगे, तो यदि आपने कोई नहीं फिलअप किया होगा तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये करने के बाद आप जो है सिंपली प्रोसीड करिए। जैसे आप प्रोसीड करोगे, तो अब आपको जो है अपना फोटो एंड सिग्नेचर यहां से अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, एंड उसके बाद आप सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए। फ्रेंड्स, फोटो का साइज जो है मैक्सिमम 50 KG से नीचे होना चाहिए, एंड सिग्नेचर का साइज जो है वो 30 KB से नीचे होना चाहिए। ये करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपली प्रोसीड कर लीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि डायरेक्टली बोल रहा है कि यू नीड टू अपलोड योर सिग्नेचर शुड बी लेस देन 60, लेस देन 10 KB, 10 KB के नीचे होना चाहिए आपका फोटो। अगर ऐसा एरर आता है तो तब भी आपको घबराना नहीं है, आप सिंपली रिड्यूस इमेज पे जाएं, गूगल पे जाएं एंड यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करें रिड्यूस इमेज, यहाँ से जो भी आपके पास फाइल है उसे चूज करें। फॉर एग्जांपल्स के लिए माई सिग्नेचर 10 KB, एंड यहाँ से आपको जो है वो क्वालिटी रिड्यूस करना है, 60 कर दीजिए, और यहाँ से आप रिसाइज कर लीजिए। तो आपका सिग्नेचर जो है वो ऑलमोस्ट 3 KB का बना है। आप इसे दोबारा से इंक्रीज भी कर सकते हो 75 KB रिसाइज, क्योंकि ये वाला दिक्कत जो है आने वाला है, इसलिए मैंने आपकी क्लैरिटी कर ही दी अभी। और उसके बाद आपको दोबारा से अपना फ़ोटो अपलोड करना है, जो भी आपका फ़ोटो है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आप सिग्नेचर करिए जो भी जस्ट आपने। ठीक है फ्रेंड्स, ये करने के बाद सिंपली आप प्रोसीड करिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपने प्रोसीड किया तो आपका ऑटोमेटिकली जो है विंडो नेक्स्ट में चली गया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना डिटेल एंटर करना है, जो भी आपने मैट्रिक का डिटेल एंटर करना है। सबसे पहले मैट्रिक आपने कब करा है, यहाँ पे आपको कौन से बोर्ड से करा है, HP एचपी बोर्ड कर दीजिए, एचपी बोर्ड कर दीजिए। यहाँ पे आपको कहाँ से करा है, किस स्कूल से आपने करा है, किस इंस्टीट्यूशन से करा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट एंटर करने हैं, जो भी आपने सब्जेक्ट पास किए हैं। फ्रेंड्स, मैं सिंपली 3-4 सब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, आपके लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आप एंटर कर दीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको परसेंटेज एंटर करना है कि आपका कितना परसेंटेज है, आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं परसेंटेज एंटर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप +2 करिए। सबसे पहले आपको स्ट्रीम रखना है, जो भी आपका स्ट्रीम था एंटर कर दीजिए, और कब आपने पास किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद कौन से उससे करा है, एसपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन टाइप करना है फ्रेंड्स आपको, एंड कौन से इससे करा है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, जो भी आपका स्कूल है वो आप एंटर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे अपना सब्जेक्ट एंटर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे अपनी परसेंटेज एंटर कर दीजिए, जो भी आपकी परसेंटेज थी। और यहाँ पे आपको जो है वो ग्रेजुएशन एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस पे एंटर करना है कि आपका जो है कौन सा डिग्री है, तो यहाँ से आप चूज कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपके कैटेगरीज में आप करते हो उसमें आप ऐड कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स,
एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको और सेंटर कर लीजिए एंड पासिंग ऑफ ईयर 2000 यहाँ पे कहाँ से कराया, एचपी यूनिवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, एचपी यूनिवर्सिटी यहाँ पे जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया वो एंटर कर दीजिए। कौन सा जो भी आपका है, जिस भी कॉलेज से आपने पास किया वो कर दीजिए और यहाँ पे अपना सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जिन भी सब्जेक्ट में आपने पास किया है मेजर मेजर सब्जेक्ट जो है आप एंटर कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप परसेंटेज टाइप कर दीजिए, परसेंटेज टाइप कर दीजिए एंड यहाँ पे फ्रेंड्स आपको टैट ये करना है, जिसमें आपने टैट पास किया है वो आप एंटर कर दीजिए। अगर टीजीटी आर्ट्स जो भी आपने रखना है यहाँ पे आपको स्पेसिफिक फील्ड ये करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आर्ट्स रख कर दीजिए और यदि आपने मेडिकल नॉन मेडिकल का है तो आपको मेडिकल नॉन मेडिकल यहाँ पे मैंशन करना है, कौन सी ईयर में पास किया है आपने टैट। फ्रेंड्स याद रहे टैट जो है वो रिसेंटली आपका पास होना चाहिए। ठीक है जी, और जो भी आपने एम्प्लॉयमेंट में एंटर कराया है उसी को आपने एंटर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स ये कर लीजिए आप। और उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करने हैं, हिंदी जो जो सब्जेक्ट थे आपके टेट में वो आप एंटर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको परसेंटेज मेंशन करनी है, कितनी आपकी परसेंटेज थी मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पे यदि फ्रेंड्स आपका एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस जरूर मेंशन करिए। फॉर एग्जांपल यदि आप कहीं जॉब कर रहे हो या इंस्टीट्यूशंस में जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपको मेंशन जरूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स आप अपनी बीएड की डिग्री का भी डाल सकते हो, बीएड एंड किस स्ट्रीम में आपने करी है, तो बेसिकली आर्ट्स डाल दीजिए एंड कौन सी ईयर में करी है। एचपी कर दीजिए, मेमोरियल। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे सब्जेक्ट कर लीजिए, जो भी मेजर आपके सब्जेक्ट थे बीएड में वो आप एंटर कर दीजिए। मैं जस्ट आपको डेमो दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे अपनी परसेंटेज का टाइप कर दीजिए, टोटल भी टोटल परसेंटेज थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको मैट्रिक का डिटेल यहाँ पे फिल करना है, आपका कौन सा स्ट्रीम्स है, ईयर कौन सा है, यहाँ पे कौन से बोर्ड से करी है, कौन से इंस्टीट्यूशन से करी है और यहाँ पे आपने कौन कौन से सब्जेक्ट मेंशन किए हैं वो करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करनी है और यहाँ पे प्लस टू की डिटेल एंटर करनी है, यहाँ पे टैट कौन सी ईयर में पास किया है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग अगर आपका एक्सपीरियंस है तो देन यहाँ पे मैंशन कर दीजिए और यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन में आप बीएड की डिग्री भी मैंशन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये करने के बाद और फ्रेंड्स ध्यान रहे यहाँ पे जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस है वही आपको मेंशन करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है आपको, जो भी आपकी बेसिकली क्वालिफिकेशंस है वही आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ये करने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड करना है। जैसे फ्रेंड आप प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे आपके एप्लीकेशंस की पूरी डिटेल आएगी जिस भी के लिए आपने आवेदन किया है एंड यदि आप फोटो वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये करने के बाद यदि आपने एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो और यहाँ से आपका पूरा का पूरा जो है वो डिटेल आ जाएगा। फ्रेंड्स ये करने के बाद आपको जो है यहाँ पे डेक्लेरेशन पे क्लिक करना है एंड सिंपली सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप सबमिट इस पे पेमेंट पे करोगे तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे डिटेल आ जाएगा आपका, एक बार आप चेक कर लीजिएगा जरूर। चेक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे गेट पे ऑप्शन आएगा एक, यहाँ पे गेट पे आपको जो फ्रेंड्स है वो HDFC चूज कर लीजिए। और फ्रेंड्स आपके पास चाहे कोई भी डेबिट क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का क्यों ना हो, आपको ऐसे नहीं घबराना है, जस्ट ये पेमेंट विंडो है आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, मेक पेमेंट ऑनलाइन
नाउ पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप पेमेंट ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे पेमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यदि आप वोमेन्स हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, या आप रिजर्व कैटेगरी से तो उस हिसाब से यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा। फिर फ्रेंड्स आप प्रोसीड टू पेमेंट पे करिए क्लिक। जैसे आप प्रोसीड टू उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ऑप्शंस आ जाएगा। अब फ्रेंड्स आपके पास अगर HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो HDFC से पेमेंट कर लीजिए, और अदर का है तो आप अदर का क्लिक कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, करने के बाद जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है वो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। यदि आपके क्रेडिट है तो क्रेडिट कर लीजिए, और यदि डेबिट है तो डेबिट कर लीजिए, और अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो वो भी आप पेमेंट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आपको चूज करना है कि आपके पास वीजा है, मास्टर कार्ड है, वट एवर जो भी कार्ड है वो आप चूज कर लीजिए। एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना जो भी आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे नाम है वो एंटर करना है, एंड यहाँ पे आपको अपने कार्ड नंबर एंटर करना है, और यहाँ पे जो भी आपका कार्ड का एक्सपायरी डेट है वो मेंशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है यहाँ पे आपको CVV नंबर का एंटर करना है, जो कार्ड के बैक साइड होता है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, और सिंपली मेक पेमेंट वाली विंडो पे क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप मेक पेमेंट वाली विंडो पे क्लिक करोगे तो पेमेंट करने के जस्ट बाद जो है फ्रेंड्स आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP आपको जो है वहां पे एंटर करना है एंड आपको सबमिट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप सबमिट कर दोगे तो आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिलअप होने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, दोबारा से लॉगिन वाली विंडो पे जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, लॉगिन वाली विंडो पे आपको दोबारा जाना है। यहाँ पे आपको सिंपली आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद लॉगिन करिए। और फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक से और कमेंट करना मत भूलिएगा, और जल्दी से अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा क्योंकि वेबसाइट जो है वो कभी भी हैंग हो सकती है, और लास्ट में तो फॉर्म फिलअप नहीं होता है। और फ्रेंड्स आपको जैसे मैंने लास्ट में ये फॉर्म फिलअप किया था अपने प्रीवियस टाइम में, तो इस तरीके से आएगा क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया है, तो पेमेंट ना करने की वजह से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि सिंपली एप्लीकेशन वाली विंडो पे क्लिक करना है। जैसे आप एप्लीकेशन वाली विंडो पे क्लिक करोगे तो आपका जो है वो ऑटोमेटिकली फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से आप इसकी प्रिंट भी दे सकते हो और अपने पास रख सकते हो। फ्रेंड्स इसको प्रिंट करके अपने पास जरूर रखिएगा, और इसी विंडो से जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और फ्रेंड्स आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए क्यों ना प्रिपरेशंस कर रहे हो, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, और हमने अब एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं फ्रेंड्स, RSB लेटेस्ट इन्फो। आप एक बार इस वेबसाइट में जरूर विजिट करिएगा, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे आंसर किया था वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल RSB लेटेस्ट इन्फो को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपको मिले। और फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन करती बार आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है तो आप जरूर कमेंट करें, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नॉलेज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत। और सभी जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं उनको RSB लेटेस्ट इन्फो की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स हमने फेसबुक टेलीग्राम व्हाटएवर जो भी ग्रुप्स बनाए उनका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एक बार उसमें जरूर विजिट करिएगा और उन ग्रुप के साथ जरूर जुड़ी है, क्योंकि उसमें जो है वो रेगुलर नोट्स हम शेयर करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,